हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजहरुद्दीन और आज हमारे पास वायलिन आया है आसाम से, जो कि रिपेयर के लिए वायलिन है। तो चलिए इसे बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसे वायलिन है इसमें। दो वायलिन है इसमें, दो बॉक्स है वायलिन बॉक्स। पहला वायलिन है, ये हमारा पहला वायलिन आ गया है जो कि काफी ओल्ड वायलिन लग रहा है और मेरा अंदाजा है कि जर्मन वायलिन है, अच्छा वायलिन है। आप देख सकते हैं वायलिन के पीछे ग्रेन्स कितनी अच्छी है। इसमें वर्क करना है, पीछे से वायलिन खुल चुका है, ये पूरा जॉइंट यहाँ से खुल चुका है। इसको हम रिपेयर करेंगे। आप देख सकते हैं कि नेक किस तरीके से इसकी मूव कर रही है। इसको हम रिपेयर करके भी दिखाएंगे आपको, करीब से दिखाओ। देखिए किस तरीके से इसका वायलिन खुल चुका है, ये पूरी नेक अलग हो चुकी है। इसको हम एक रिपेयर करके दिखाएंगे, काफी अच्छा वायलिन है। ये हमारा फर्स्ट वायलिन हो गया। सेकंड वायलिन हमारे पास आया है, सेकंड वायलिन की तो काफी बुरी हालत है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग ही वायलिन है, काफी सारे पीसेस में से है, पीसेस हैं इस वायलिन के। टेप से चिपकाया हुआ है ये। टॉप प्लेट इसकी बिल्कुल ही अलग है। नेक आ गई, फिंगर बोर्ड भी इसमें है। नेक आ गई, फिंगर बोर्ड आ गया और ये वायलिन है एंटोनियो स्ट्रैडिवेरियस 1721। ये दिखाइए, इसका बैक पैनल है, बहुत अच्छी ग्रेन्स है, बहुत अच्छा कलर है वॉल्यूम के ऊपर। इसको भी हम फिक्स करके आपको दिखाएंगे, रिपेयर की नहीं है। और यहाँ पे इसमें मैपल अलग लकड़ी का ये यहाँ पे ग्रिप दी है, इसको भी हम चेंज करके पाइन लगाएंगे इसमें ताकि साउंड और अच्छी हो जाए। और इस तरीके से वॉल्यूम पूरा रेडी हम करके आपको फिर वीडियो दिखाएंगे। थैंक यू।